राजधानी सहित कई जगहों पर ईडी की आज सुबह से ही छापेमारी हो रही है। जानकारी के मुताबिक एक साथ 12 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और शलभ कुमार सहित कई नेताओं के घर पर रेड जारी है। कहा जा रहा है कि ईडी के अधिकारी वर्तमान में दिल्ली, चंडीगढ़ और वाराणसी में 12 से अधिक जगहों पर कई लोगों के घरों में तलाशी ले रहे हैं। ये तलाशी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से जुड़ी हुई है। इस छापेमारी के साथ ही आज आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, जिसमें दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी सिंह ने आरोप लगाया है कि ये सब हमें डराने के लिए किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आपके राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के घर पर, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मेंबर शलभ कुमार के घर पर और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के घर पर ईडी की रेड जारी है। कहा जा रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड में हुए घोटाले को लेकर ईडी ने ये एक्शन लिया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही थी और ईडी की छापेमारी इससे ठीक पहले हुई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं और उनसे जुड़े लोगों के यहाँ छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही है, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के किन किन मामलों में ईडी ने रेड की है। वहीं इस रेड को लेकर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा और कहा है कि ये भी डेमोक्रेसी का मर्डर है। यदि देश में सरकार के खिलाफ कोई बात करता है तो ईडी उसके घर पहुंच जाती है। आप देख लीजिए, डेमोक्रेसी का मर्डर सिर्फ चंडीगढ़ में नहीं हुआ, पूरे देश में हुआ है। पहले महाराष्ट्र और फिर झारखंड में भी ऐसा ही किया गया। सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेसी की हत्या की बात करती है, लेकिन डेमोक्रेसी बचाने के लिए कुछ नहीं कहती। आखिर कोर्ट भी क्या कर रही है, ये जनता की तरफ से सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।